बच्चों आपने हेलीकॉप्टर तो बहुत उड़ते हुए देखा होगा। आज हम पेपर से रोटोकॉप्टर बनाएंगे। रोटोकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है इसी पे बेस्ड है। तो अभी हम बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बच्चों आपको पता है कि हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन किससे इंस्पायर है? हेलीकॉप्टर का जो डिज़ाइन है वो ड्रैगन फ्लाई से इंस्पायर है, जिसमें दो पंख होते हैं जो कि मूव करता है और जिसकी वजह से इतना हैवी हैवी इंजन और हैवी मशीन जो है वो एक लिफ्ट उत्पन्न करती है और ऊपर चली जाती है, एक थ्रस्ट उत्पन्न करती है और हवा में चली जाती है। तो आज उसको देखने के लिए हम इसको बनाएंगे। इसका नाम है रोटोकॉप्टर और इससे बनाने के लिए हमें चाहिए ये 15 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिप और 3 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको बीच में से मोड़ देंगे। सिंपल सा है ये, हमें सेंटर मिल गया, इसमें क्रीज बनाएंगे। ये हमको सेंटर मिल गया, ये हमारा लोअर एक पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक पार्ट को हम एक बार और मोड़ेंगे सेंटर से थोड़ा सा दूर। क्या करेंगे हम, इसे सेंटर से थोड़ा सा दूर मोड़ेंगे। ठीक है, हमने इसे सेंटर से थोड़ा सा दूर मोड़ दिया है और इसको हम जो हमने सेंटर से थोड़ा सा दूर मोड़ा है, ये देख रहे हैं आप ऊपर वाला पार्ट, इसके हम दो पार्ट करेंगे। सिर्फ ऊपर के दो पार्ट करने हैं हमको। ये देखिए, ये मैं क्रीज बना लेती हूँ। इस पर आराम से आप क्रीज बनाएंगे, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है ये। इसको क्रीज बनाएंगे हम और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कट कर देना है। इस तरीके से कट करते हुए हम नीचे जाएंगे। ये हमारा दो फ्लैप बन गया है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला हमारा इतना गैप को हमें छोड़ देना है। उसके बाद नीचे हमें यहाँ से भी कट करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस तरफ से भी कट करना है। तो कुछ हमें इस तरीके का मिल जाएगा। अब हमें जो हमारा नीचे का जो पोर्शन है इसको हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। ये थ्री फोल्ड हो जाएगा। थ्री फोल्ड होने की वजह से यहाँ पे ये हैवी हो जाएगा। इसको हम अच्छे से क्रीज बना लेते हैं और ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर देंगे। अगर एक को हमने इस तरफ राइट में फोल्ड किया तो दूसरे को हम लेफ्ट में फोल्ड कर देंगे। और ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको भी हम थोड़ा सा और हैवी करेंगे ताकि ये वाला पूरा सेक्शन तैयार हो जाए। अब हमारा ये रोटोकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। बच्चों आपको क्या करना है, इस रोटोकॉप्टर को तो बनाना ही है, साथ में आपको हेलीकॉप्टर की फंक्शनिंग पढ़नी है या इंटरनेट पर सर्च करना है, और वो सर्च करके आप फंक्शनिंग मुझे भेजेंगे। आप एक मिनट की वीडियो में भी भेज सकते हैं। अभी हम इसको उड़ा के देखते हैं कैसे उड़ता है। रोटोकॉप्टर तैयार है और जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये रोटेटरी मोशन में नीचे घूमेगा। आइए देखते हैं, आइए एक बार और देखते हैं।